हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो कैरी ऑन करते हैं अपना फर्स्ट और टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको जनरल वे में बताया था कि ये अमाउंट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्यूशन में, बट जनरली जनरली इट इज amount of solute present in solution। जनरली जो हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि आपको जितना सॉल्यूशन मिला है उसमें आपके पास सॉल्यूट कितना है वो क्या होगा, आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है वो उसका मास भी डिपेंड कर सकता है और उसका वॉल्यूम भी। मतलब हम सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसके मास और वॉल्यूम के बेसिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो मैथमेटिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करनी हो, अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हो, अगर आपको सॉल्यूशन का मास गिवन हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो। वैसे मैं यही समझ के चल रही हूँ कि आपको मास का पता है, माइनर क्लासेस में आपने मास के बारे में पढ़ा है कि केमिस्ट्री में मास हम किसे कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन का मास और वॉल्यूम गिवन हो तो आपको कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है मैथमेटिकली, मतलब कि नंबर्स में आपको कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला है आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास न्यूमिरेटर में है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। पहले हमारे पास सॉल्यूशन था, अब हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये भी याद कर रख सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास रेशियो ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमें न्यूमेरिकली निकालना हो। अब है इसकी वेज की आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास गिवन हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन को, मास ऑफ सॉल्यूट। जो कंसंट्रेशन होती है ना हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट होती है। मतलब आप हमेशा उसे परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, परसेंटेज पे। अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का मास गिवन हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की हमारे पास परसेंटेज। ठीक है, मतलब हमारे पास सॉल्यूट की परसेंटेज आ जाएगी कि उस सॉल्यूट की परसेंटेज सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितनी है। अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो सॉल्यूशन का और मास गिवन हो सॉल्यूट का, इफ मास एंड वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिखोगे आप, मास, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट जो भी गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी आपकी परसेंटेज में क्या आ जाएगी,
कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। अभी हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेके एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है आपकी बुक में, अगर आप देखना चाहो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको समझ ना आए मेरा कराएगा तो। इसमें क्या है, पहले हमारे पास और सॉल्यूशन, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है एस ओ एल डॉट, और सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर आप सॉल्ट को देखे जाए तो सॉल्ट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज में क्या करते थे हम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पहले हम लिख लेते हैं अमाउंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या गिवन है हमें, 40 ग्राम। फिर है मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 320 ग्राम। अगर हम नमक और पानी को, नमक और पानी है ना यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आप सॉल्यूट की जगह सॉल्ट भी लिख सकते हो और सॉल्वेंट की जगह वाटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों के मासेज ऐड अप हो जाएंगे ना, दोनों के मासेज ऐड अप कर लीजिए, 320 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 360 ग्राम। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 360 ग्राम। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास, 40। मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने क्या फाइंड आउट करा, 360 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 100/9, 11.1 समथिंग आ जाएगी इसकी परसेंटेज, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये था आपका कि हाउ टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन, माइनर सा एग्जांपल है ये, सिर्फ आपको क्लेरिफाई करने के लिए है कि न्यूमेरिकली सच में हम किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूट के अमाउंट से, मास से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सस्पेंशन। ये भी एक तरह का टाइप ऑफ मिक्सचर है। हमने अभी क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या हो गया हमारे पास, हेटरोजीनियस मिक्सचर। ये एक तरह से इसकी प्रॉपर्टी भी है कि ये हेटरोजीनियस है, और एक तरह से सॉल्यूशन और इसमें एक डिफरेंस भी है, वो होमोजीनियस है और ये हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस है इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ढंग से मिक्स नहीं होते। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डज नॉट गेट्स डिसॉल्व्ड कंप्लीटली टू द सॉल्वेंट, तभी हेटरोजीनियस है। हेटरोजीनियस मिक्सचर यही होते थे जिनके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, और इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो क्या, तैरते रहते हैं। ठीक है, अब तैरने को क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट रिमेन सस्पेंडेड। ये जो वर्ड है ना सस्पेंडेड, इसी से ही हमारे पास क्या वर्ड आया, सस्पेंशन। सस्पेंडेड का क्या मतलब है, फैला हुआ। ठीक है, जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, ये आपके पास एक बीकर है, इसमें जो सॉल्यूशन पड़ा है, अगर आपके पास कोई सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स है ना वैसे फैले हुए रहेंगे, और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लार्ज एरिया के होंगे। लार्ज एरिया के होंगे, आप उन्हें नेकेड आइज से देख सकते हो। ठीक है, और वो इसमें ढंग से नहीं मिलेंगे, पानी में या सॉल्वेंट जो भी आपके पास है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट है सॉल्वेंट में ढंग से नहीं मिलेंगे। देयरफॉर बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब जब फैले हुए नहीं होंगे तो सस्पेंडेड रहेंगे, फैले
सॉरी जब मिले हुए नहीं होंगे तो वो फैले हुए रहेंगे सॉल्यूशन में थ्रू आउट, मतलब कि सॉल्यूशन में चारों तरफ वो पार्टिकल्स फैले हुए रहेंगे। हम उन्हें इजीली देख पाएंगे और उनकी डायमेंशंस भी हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे पार्टिकल्स हैं कहाँ पे नहीं है। सस्पेंशंस आपके पास इनका कोई वैसे नॉर्मल एग्जांपल नहीं है, बट अगर आप चाहो तो सॉल्वेंट में अगर आप कोई भी पानी ले लो उसमें अगर आप कोई भी सॉलिड डाल दो, जैसे नेल मतलब कीलें डाल दो, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो गया हमारे पास सस्पेंशन सॉल्यूशन। जो नेल्स हैं कीलें हैं पानी में वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी क्या, लोहा तो पानी में नहीं मिलता ना, ठीक है, वो सॉल्यूबल नहीं है, तो वो क्या है हमारे पास एक तरह से सस्पेंशन। अब जो कीलें होंगी पानी में उन्हें आप ध्यान से देख भी पाओगे, ठीक है, आराम से बिना किसी हेल्प से नेकेड आई से आप उन्हें देख भी पाओगे और उनकी बाउंड्रीज भी आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। और जो वो हैं कीले हैं वो फैली हुई रहेगी, अगर आप उन्हें छेड़ोगे नहीं, आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो वो कीले क्या है पानी के सॉल्वेंट के सरफेस में जाके, सरफेस मतलब नीचे बॉटम में जाके, बॉटम मतलब तल में जाके बिक करके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये हिटेरोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी सीन बाय नेकेड आईज, ठीक है, कैन बी सीन बाय नेकेड आईज, एक ये प्रॉपर्टी हो गई और एक ये, दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब एक है स्टेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी थी ना सॉलिड, उसमें सॉल्यूशन में कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब कि होमोजेनियसली मिक्स्ड होते हैं, तो अभी हेटरोजेनियस मिक्सचर है तो ये क्या हुआ अनस्टेबल, तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, मतलब कि अगर आप इनके पार्टिकल्स को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे ना तो ये जाके बॉटम में जमा हो जाएंगे, ठीक है, दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्वेंट। और क्या है, इसके पार्टिकल्स लार्ज एरिया के होते हैं, लार्ज डायमेंशंस के होते हैं, तो दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब देखो जो इसके साथ के साथ पॉइंट्स है वो बिल्कुल अपोजिट है सॉल्यूशन के, तो अगर आपको डिफरेंस लिखना हुआ सस्पेंशन और सॉल्यूशन में तो आपको सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, हेटरोजीनियस के आगे आपको होमोजीनियस लिखना है, सॉल्यूट पार्टिकल्स नेकेड आइज उसमें आपको लिखना है कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, अनस्टेबल के आगे आपको स्टेबल लिखना है, स्कैटर बीम ऑफ लाइट दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि अगर आपको सस्पेंशन और सॉल्यूशन का खुद ही डिफरेंस लिखना हो तो आप कैसे इजीली उसे लिख सकते हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करके, ठीक है। और लास्ट उसमें सॉल्यूशन में हमारे पास पॉइंट क्या था कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी फिल्टर्ड या कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द पार्टिकल्स लिख सकते हैं नहीं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं फिल्ट्रेशन से, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये सस्पेंशन सॉल्यूशन एक तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं, ठीक है, जो हमने मिक्सचर पढ़े उनके एक तरह से टाइप्स हैं हमारे पास फर्दर। पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हमने सस्पेंशन पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, नेक्स्ट में हम एक और टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे दैट इज कोलाइड्स, और हम पढ़ेंगे कि वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन से कैसे अलग है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।